एक दूसरे की बुराइयां करने वाले सियासतदान जब सियासी मफाद की बात आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। क्या कौमी मफाद पर भी सियासतदान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस हवाले से अरकान पार्लियामान की राय। कौमी मफादात ज़्यादा ज़रूरी हैं, टॉप प्रायोरिटी है। ये तसलसल जो है इसको टूटना नहीं चाहिए, तो ये शऊर भी आ जाएगा। इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनने का मतलब ये कि जो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपनी वोट बैंक के लिए, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, अपने आने वाले इलेक्शन जीतने के लिए सियासत करता है, वो मुल्क के लिए 20 करोड़ आवाम के लिए सियासत नहीं करते। जिस पार्टी के साथ हमने मिसाक जमहूरियत साइन की, वो मिसाक जमहूरियत पे अपने पैर कायम दायम नहीं रख सकी। जो भी सियासी आदमी जो भी मूव करता है उसके जेहन में कौम का मफाद होता है। आगे हमने इंटरप्रिटेशन करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, मीडिया ने अपने अंदाज में करनी है, मौलवी ने अपने अंदाज में करनी है, सियासतदान ने अपने अंदाज में करनी है। सियासतदान होता है आवाम की खिदमत के हवाले से, सियासत की खिदमत के हवाले से, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाने के हवाले से। ये एक सियासतदान की वो मैंने तारीफ की है, उसका ये खासा होता है। कौमी मफाद के लिए तमाम सियासतदानों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना ही इस वक्त सबसे अहम है। अरकान पार्लियामान का भी यही कहना है कि वक्त की भी यही ज़रूरत है, लेकिन सियासी मसलतें आड़े आ जाती हैं। कैमरामैन उमर भट्ट के साथ इजहार खान न्याजी, रॉयल न्यूज़, इस्लामाबाद।